हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज परम निमातन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन में। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो ज्वेलरी शोरूम का नाम है पीसी ज्वेलर, शायद आपने सुना होगा। तो वहाँ पे आने वाले हैं मोस्ट एक्ट्रेस, पॉपुलर एक्ट्रेस, यू नो दैट, आपने पढ़ ही लिया होगा जैसे टाइटल में लिखा होगा मैंने वो। तो अभी 10:30 बज रहे हैं वैसे, तो वहाँ का टाइम है, शिल्पा शेट्टी आने वाली है वैसे। तो शिल्पा शेट्टी के वहाँ पे आने का टाइम है तकरीबन 12:30 बजे, 12:30 नहीं, 12 बजे बोल रहे हैं तकरीबन। तो 12 बजे तो हो सकता है, या फिर 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, तो 12:30 हो सकता है। तो अभी मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ देखने के लिए, ऑब्वियसली। तो ठीक है, हम वहीं पे कंटिन्यू करते हैं आपसे। इतनी भीड़ में, हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ। Thank you.
सो गाइस अभी तो मैं अपने घर पे आ गया हूँ। अभी बज गए हैं शाम के 6:30। जी हाँ दोस्तों, 6:30। मैंने बोला था करीबन 12:30 बजे हो जाएगा प्रोग्राम, 12:30 बजे इनोग्रेशन हो जाएगा, बट दोस्तों करीबन 3 बजे शिल्पा शेट्टी वहां पे आई। 3 बजे, जी हाँ दोस्तों 3 बजे, आप सोच सकते हैं 3 बजे, करीबन 3 घंटा लेट। फिर प्रेस में उन्होंने बता भी दिया कि वो लेट क्यों आई, क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई थी, ऐसा कोई रीजन बता रहे थे। अब क्या पता क्या सच है क्या गलत है, इसका हमें पता नहीं है, बट जो भी रीजन हो प्रोग्राम इतना कोई खास नहीं रहा। व्लॉग भी इतना कोई अच्छा बन नहीं पाया, भीड़ बहुत थी, और इंडिया में व्लॉगिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम, बहुत ज्यादा मुश्किल काम इंडिया में व्लॉगिंग करना। तो फाइनली प्रोग्राम था, ठीक ठाक था, प्रोग्राम था, देख लिया। भीड़ तो आई थी काफी, मीडिया वाले भी आए, काफी सिक्योरिटी आई, तो ठीक था वैसे। भाई तो प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं था और इतना कुछ बुरा भी नहीं था, बट ठीक ठाक, बस लेट हो गया था। लोग काफी परेशान हो रहे थे कि भाई अभी तक क्यों नहीं, अभी तक साढ़े लोग के तकरीबन 10:30 बजे इकट्ठे हुए और 3:30 बजे तक वहां पे रहे। तो उनका जो शेड्यूल था, जैसे आज आए थे 3 बजे, तो आज ही शाम को चले जाएंगे वो फिर से शिल्पा शेट्टी। और तो मुझे फाइनली, हाँ एक काफी अच्छी बात है कि मुझे फाइनली ऑटोग्राफ मिल गए उनके, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल से, बहुत ज्यादा भीड़ में बाउंसर के घोसे खा के मैंने ऑटोग्राफ लिए। मुझे ऑटोग्राफ कलेक्शन का काफी शौक है, वो मेरे हाथ में अभी है ऑटोग्राफ, बता देता हूँ आपको। ये मैंने पूरा बना दिया कैटलॉग, ये जो ऑटोग्राफ देख रहे हो आप आड़े टेढ़े, यही ऑटोग्राफ। सो गाइस यही थे ऑटोग्राफ। तो बट ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ऑटोग्राफ हमें मिल गया बाउंसर के घोसे खाने के बाद भी, तो बढ़िया है। प्रोग्राम भी अच्छा ही था वैसे, इतना खास था, बस लेट होने के कारण काफी लोग चले भी गए थे शुरुआत में। तो ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग इतना, मुझे पता है ब्लॉग इतना अच्छा नहीं बना है, बट प्लीज आप इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिए गए लोगों पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि लोगों नहीं तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। आई कार्ड में जो लिंक दे रखी है उस पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, तो बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।